हैविंग रिसीव योर पब्लिक एंटरप्राइज के मेरे साथी मंत्री श्रीमान अनंत गीते जी, राज्य मंत्री श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, मेरे सहयोगी श्रीमान पीके मिश्रा जी, श्री पीके सिन्हा जी, देश भर से आए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, हमारे अनंत गीते जी गाते नहीं हैं और बाबुल जी गाते हैं। पब्लिक सेक्टर की हमारी जो छोटी सी दुनिया है, इसमें एक नई शुरुआत है और मैं आप सभी का सीपीएससी कॉन्क्लेव में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले एक डेढ़ घंटे में जो प्रेजेंटेशन यहां दिए गए, उसमें आपका परिश्रम, आपका उत्साह और बाय एंड लार्ज मैं कह सकता हूँ ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये मैं साफ साफ देख रहा था। कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी और न्यू इंडिया पर आपका विजन, आपके विचार भी जानने का अवसर मुझे मिला। शायद ऐसा सौभाग्य कि पहले किसी प्रधानमंत्री को मिला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे मिला। प्रेजेंटेशन से जो टीम में जुड़ी, इसके साथ जुड़ी रही, जिन्होंने चर्चाएं की, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, ताकि उन्होंने काफ़ी मंथन किया होगा, काफ़ी रेफरेंसेज इकट्ठे किए होंगे और अपने रोजमर्रा के कार्य से थोड़ा बाहर निकल करके भी उनको सोचने का अवसर मिला होगा। अब मुझे बताया गया है कि बीते महीनों में आप सभी ने एक मंथन का लंबा दौर चला है, अपने अपने संबंधित सेक्टरों में कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है, इस बारे में आपने गहरा विचार विमर्श किया है। और आपकी जानकारी के लिए, आप वहाँ कुछ कर रहे हैं तो आपके विषय पर मैं भी करता रहता था, आपके अफसरों को बुला बुला करके, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी भी विचार प्रक्रिया का तालमेल आपके साथ जुड़ना चाहिए। तो एक प्रकार से हर किसी ने अपने अपने स्थान पर एक मंथन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और मेरे ध्यान में ऐसी तमाम मुश्किलों को लाया गया है जिसे सामान्य तौर पर आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं। सरकार इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार काम भी कर रही है। बीते चार सालों में सरकार ने भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। साथियों, स्वतंत्रता के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राष्ट्र निर्माण में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब भारत को फंड की जरूरत थी, नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए था और ये सभी कुछ मिलना आसान नहीं था, उस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने देश से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मोर्चा संभाला था, एक से एक ब्रांड स्थापित किए थे, पावर का प्रोडक्शन, पावर से जुड़े इक्विपमेंट की डिजाइनिंग, स्टील का प्रोडक्शन, ऑयल, मिनरल, कॉल, अनेक सेक्टरों में आपने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आपने उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी जब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आज भी आपके संस्थान भारत की अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ मजबूती दे रहे हैं बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कैटलिस्ट का भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्राइवेट सेक्टर में जब हम एक सीईओ की बात करते हैं तो उसका असेसमेंट
इस बात से होता है कि शेयर होल्डर्स के लिए उसने कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए भी अहम है, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि समाज जीवन के लिए, सोसाइटी का कैसे और कितना भला हुआ। हम सिर्फ शेयर होल्डर तक सीमित नहीं रह सकते, हम पूरे समाज के दायरे को देखना पड़ता है। हमें एक प्रकार से पीएसई का सही मायनों में अर्थ होता है प्रॉफिट एंड सोशल बेनिफिट जनरेटिंग एंटरप्राइज, यानी ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट लेकिन सोसाइटी के लिए बेनिफिट भी जनरेट करें। जब हम सोशल बेनिफिट की बात करते हैं तब आप सभी अधिकारियों और पूरे पीएसई स्टाफ के प्रयास और त्याग को कैसे भूल सकते हैं। दूर सुदूर मुश्किल जगहों पर जहां सुविधाओं का अभाव है और कई बार कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, कई दिक्कतें हैं, लेकिन आप सब डटे हुए हैं। देश के लिए हर मुश्किल को, हर परेशानी को आप भी सह रहे हैं। आपके ही साहस का नतीजा है कि सरकार बड़े बड़े फैसले लेने में आज सक्षम है और निर्णय कर रही है। फिर वो चाहे देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो या फिर देश की हर गरीब माता बहने की रसोई तक एलपीजी कनेक्शन की बात, आपके संस्थाओं से जुड़े लाखों कर्मचारियों के अथक परिश्रम के बिना ये संभव नहीं था। और हमने इस फिल्म में भी देखा, आपके प्रेजेंटेशन में भी देखा, किसने कितना बड़ा दायरा और कितने समय सीमा में इसको कवर किया है। साथियों, सिर्फ इतिहास अच्छा हो, समृद्ध हो, आज के युग में बात वहां समाप्त तो नहीं होती है, इससे काम नहीं चलता है। वर्तमान की चुनौतियों के मुताबिक बदलाव की भी जरूरत अनिवार्य हो, और मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में आइडियालिज्म और आइडियोलॉजी ये काफी नहीं है, इसकी जगह प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, उसको भी स्थान होना चाहिए। सेक्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन जब 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तब एंटरप्राइज एंड इनोवेशन वो मंत्र होना चाहिए जो हम सभी को गाइड करे, हमारा ड्राइविंग फोर्स हो। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, सक्सेस के लिए अलग अलग मंत्र नहीं होते हैं। सफलता के मंत्र की जब मैं बात करता हूं तब 3I की एक सोच सामने आती है, और ये 3I यानी इंसेंटिव्स, इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इंसेंटिव जब हम कहते हैं तब इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा टूल है। बिजनेस में ही क्यों, जिंदगी में भी अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता के मुताबिक हमें काम करवाना होता है तो उसे हम निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में आपको भी यूनिक इंसेंटिव मॉडल्स के साथ सामने आना होगा ताकि ठहराव और निष्क्रियता की स्थिति से बचा जा सके। लेकिन जब हम इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ फाइनेंशियल हो ये जरूरी नहीं है। कई बार बेहतर परफॉर्म करने वाले की फोटो बुलेटिन बोर्ड में लगाने भर से या फिर चेयरमैन की तरफ से पीठ पर जरा थपकी लगा दें, छोटी बात होती है, सैकड़ों कर्मचारियों को वो मोटिवेट कर सकती है। मुझे बराबर याद है, मैं बड़ौदा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया था, वे कोई प्रोडक्ट बताते थे, उसका बड़ा वर्णन वो पब्लिक करते थे,
अपने कर्मचारियों के बीच में, और उनको कहते थे कि इस दवाई का नाम आप तय करो, और बड़ी कंपटीशन होती थी उनके अंदर। हो सकता है कि वो साइंटिस्ट नहीं था, छोटा सा मुलाजिम था, लेकिन वो दवाई का नाम शब्द ढूंढता था एक जिस काम के लिए, और फिर उसको इनाम देते थे, बड़ा फंक्शन होता था। जितना ही वैल्यू उन साइंटिस्टों की थी, उतना ही सबने मिलकर जो नाम चुना है उसकी भी रहती थी। यानी कैसे इंसेंटिव दिया जाता है, किस प्रकार से उसको पुरस्कृत किया जाता है, ये मैं समझता हूं कि परिवार वाले जो यहां है उनको भी पता है कि इन चीजों का परिवार में भी कितना उपयोग होता है। इस परिवार भाव से हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। दूसरा विषय मैंने कहा इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो आज इसके मायने वैसे नहीं रहे जैसे उस वक्त थे, ज्यादातर पीएसी बनाए गए थे। आज इसका अलग ही स्वरूप है। आज स्थिति यह है कि कई कामयाब प्राइवेट कंपनियां 2 दशक से ज्यादा नहीं टिक पाती, ये सच्चाई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भविष्य में आने वाले बदलाव, विशेष रूप टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस के हिसाब से खुद को न ढाल पाना। यहीं पर लीडरशिप की इमेजिनेशन काम आती है। मैं अहमदाबाद में काफी साल रहा, एक जमाना था वहां मिल के बड़े बड़े चिमनियां वो शान हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी को न लाने के कारण वो सारी दुनिया बिखर गई। आज एक भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता है, क्यों? इमेजिनेशन का अभाव था, बनी बनी चीजों पर गुजारा करने की आदत हो गई थी। और जो समयानुकूल बदलाव नहीं लाते, परिवर्तन नहीं लाते, दूर का देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते, वो वहीं ने वहीं ठहर जाते हैं और धीरे 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 उनका नष्ट होना निर्धारित हो जाता है। और आज की दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसरप्शन, इसकी अहमियत बढ़ गई है। और तीसरा आई यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ये संभवतः लीडरशिप का सबसे अहम टेस्ट है। और मैं लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कह रहा हूं, हम सब लोग यहां बैठे हैं वो अपने आप में अपने कार्यक्षेत्र की लीडरशिप उनके पास है। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पूरे जगत के क्षेत्र के अंदर भी उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। एक ऐसी टीम का फॉर्मेशन जो व्यवस्था केंद्रित हो, व्यक्ति केंद्रित और व्यक्ति आधारित व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं चल पाती है। साथियों, आज तक हम पीएसी को नवरत्न के रूप में क्लासिफाई करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम इससे भी आगे की सोचें। क्या हम न्यू इंडिया रत्न बनाने के बारे में नहीं सोच सकते, जो न्यू इंडिया बनाने में मदद कर सके? क्या आप तकनीक और प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए जरिए न्यू इंडिया रत्न बनने और बनाने के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूं कि न्यू इंडिया के निर्माण में आपकी सहभागिता 5P फॉर्मूले पर चलते हुए और ज्यादा हो सकती है। ये 5P हैं, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, पर्सोना, प्रोक्योरमेंट और प्रिपेयर। साथियों, आप सभी को अपने संस्थानों की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का बेंचमार्क और ऊपर ले जाना होगा। अपने अपने सेक्टरों में दुनिया में जो सबसे बेहतरीन है उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आज दुनिया भर में चर्चा है कि भारत कुछ ही वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए GDP में जो ग्रोथ चाहिए वो हासिल करने में भारतीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017-18 में पीओएस की तरफ से GDP में
नेट वैल्यू एडिशन की करीब 5% का था। समय की मांग है कि इसे बढ़ाकर दोगुना किया जाए। आप सभी का कलेक्टिव एफर्ट इस दिशा में होना चाहिए कि पीएसयू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद देश में रेवेन्यू जनरेशन का थर्ड आर्म बने। हमारे यहां कहा भी गया है, उद्योग संपन्नम संपैति लक्ष्मी, यानी उद्योग संपन्न मानव के पास लक्ष्मी आती है। राष्ट्र के हित के लिए भी जरूरी है कि उद्योग हमारे पीएसयूज संपन्न रहे और वो राष्ट्र को संपन्न करे। आज अगर हम भारत सरकार के सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक एंटिटी के तौर पर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11% होता है। ये प्राइवेट सेक्टर की तुलना में और एक अच्छे बिजनेस वेंचर के हिसाब से मेरे हिसाब से कम है, काफी कम है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि सीपीएसई मैनेजमेंट इस ओर ध्यान दे और एक तय रणनीति के साथ इसे बढ़ाने का फैसला करे। इसी तरह दूसरे पी यानी प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस ऐसे होने चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े और वो वैश्विक स्तर पर और बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाए। हमें खुद से ये सवाल भी पूछना होगा कि न्यू इंडिया में भारतीय पीएसयूज किस तरह अगले 5 या 10 साल में ग्लोबल ग्रेटनेस को हासिल कर पाएंगे, कैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, जीडीपी को बढ़ाने के लिए कैसे वो खुद को रिडिफाइन करें और प्रक्रियाओं और नीतियों में ऐसा कौन सा सुधार करे जिससे टैक्स रेवेन्यू तो बढ़े ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी नए अवसर बने। इन सारी दिशाओं में मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता है। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का ग्लोबल सिनेरियो में कंपिटिटिव होना बहुत ही आवश्यक है। आप यूरोप के कई देशों में देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां पावर सेक्टर में, एटॉमिक सोलर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके वर्किंग मॉडल से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, जिस प्रकार से बिजनेस एनवायरनमेंट में ग्लोबली एक परिवर्तन आया है, उसको देखते हुए डिसीजन मेकिंग में तेजी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी समय की मांग है। बीते कुछ समय में दुनिया में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां रिस्क ना लेने की सोच की वजह से सरकारी एंटरप्राइज को नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में जरूरत है कि हर स्तर पर डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसलिए तीसरा पी यानी पर्सोना और महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहतर डिसीजन मेकिंग तभी काम आ सकती है अगर हमारे पास टैलेंट पूल हो। हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या सही टैलेंट को हम आगे ला पा रहे हैं, क्या हम बेंच स्ट्रेंथ बना पा रहे हैं। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, अच्छा टैलेंट और टेक्नोलॉजी, ये तीन बातें किसी संस्थान से जुड़ जाएं तो उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और मुझे बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आपने अभी जो प्रेजेंटेशन में बताया टेक अप इंडिया मिशन को प्राथमिकता देने का भी फैसला लिया है। मैं इस पहल की प्रशंसा करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। एक और विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोक्योरमेंट। साथियों, आपके संस्थानों में प्रोक्योरमेंट की नीतियों में परिवर्तन देश के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत कर सकती है।
मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। वर्ष 2016 में पीएसयू ने 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोक्योरमेंट किया था। इसमें से लगभग 25,000 करोड़ का सामान ही, सिर्फ और सिर्फ 25,000 करोड़ का सामान ही एमएसएमई सेक्टर से लिया गया। क्या आप सभी मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते, ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं बना सकते जिससे देश के लघु और छोटे उद्योगों से ज्यादा सामान खरीदा जाए, विशेषकर देश के पिछड़े इलाकों में जो उद्योग हैं उनकी हैंड होल्डिंग आपके द्वारा की जा सकती है। आपकी जानकारी में होगा और आपने एक प्रेजेंटेशन में उल्लेख भी किया कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट जेम GEM नाम से एक पोर्टल बनाया है, एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। उसने एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी नई ऊर्जा का काम किया है। बहुत कम समय में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। आपके संस्थान भी इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एमएसएमई सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा सामान अपने देश के छोटे उद्यमियों से खरीदेंगे तो दूर दराज के इलाकों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा आपके संस्थानों द्वारा एमएसएमई को फंड एलोकेशन और टेक्निकल असिस्टेंट जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही वो मजबूत होंगे। एमएसएमई सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग आपके लक्ष्यों में से एक होना चाहिए और जो आज ने शायद आपके संकल्प में उसका उल्लेख भी किया है। आप अपने अनुभव छोटे उद्योगों को जितना पहुंचाएंगे उतना ही देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगा। मेरा एक आग्रह आपसे ये भी है कि आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि एमएसएमई को भुगतान में देरी ना हो। पेमेंट लेट होने पर छोटे उद्यमियों को जिस तरह की दिक्कतें आती हैं उसकी जानकारी आप सभी को है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से बड़ी ताकत मिल सकती है। रूरल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, टेक्सटाइल, फार्मा, टूरिज्म, ऐसे अनेक सेक्टरों का कायाकल्प करने में आपका सक्रिय योगदान हो सकता है। मैं कभी कभी आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपकी जनरल बोर्ड की मीटिंग्स होती है, क्या आप मिलकर के तय कर सकते हैं कि भारत के लिए जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, नए आगरा नहीं, जो नोन है नहीं, लेकिन हम साल में एक बड़ी मीटिंग हम ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले प्लेस पर करेंगे। उसकी एक हवा बनेगी और लोग भी आएंगे, देखेंगे, नेचुरल कोर्स में वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होगा। अगर मान लीजिए देश ने एक साल में 25 डेस्टिनेशन तय किए और आपकी 300 कंपनियां हैं, अगर आप वहां अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग शुरू करेंगे तो हर स्थान पर मैं समझता हूं हर महीने एक दो मीटिंग होगी होगी। मुझे बताइए वहां की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा कि नहीं आएगा। यानी आप तो अपनी मीटिंग करते ही हैं, आप मुंबई में करते होंगे, बेंगलुरु में करते होंगे, चेन्नई में करते होंगे, फाइव स्टार होटल में करते होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसे डेस्टिनेशन पे जाके कर सकते हैं क्या? आप देखिए, आपका वो रूटीन काम है लेकिन बाय प्रोडक्ट देश के टूरिज्म को बल मिलता है। यानी एक्स्ट्रा कुछ न करते हुए हम, ये तब होगा कि देश का विजन और आपका विजन एक साथ चलता है, तब होता है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप ऐसे कोई नई नई चीजें जो राष्ट्र निर्माण की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, और मैं मानता हूं कि भारत में टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए,
कम से कम पूंजी निवेश से सबसे ज्यादा रोजगार देने की संभावना वाला क्षेत्र है, और दुनिया के पास जो नहीं है वो देने की दिखाने का सामर्थ्य इस धरती में है, लेकिन हमने कभी उसको उस बात को पहुंचाया नहीं। हम कैसे पहुंचाए साथियों? भविष्य के लिए हमारी तैयारी ही हमें पांचवें पी की तरफ ले जाती है, और वह पांचवा पी है प्रिपेयर। भारतीय पीएसयूज को टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करना होगा। एक अनुमान है कि 2020 तक ग्लोबल इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% तक होगी। ये लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार है। अनुमान ये भी है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हिस्सेदारी लगभग 60% की होगी। क्या भारतीय पीएसयू इसे ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बना रहे हैं? क्या आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं? साथियों, आपके इन प्रयासों में डिजिटाइजेशन, एनालिटिक्स, ई मोबिलिटी और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने वाली है। ये तकनीक नए बिजनेस में आपके लिए अवसर पैदा कर सकती है। आज की तारीख में फाइनेंशियल मार्केट में जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, निवेश के लिए जो एक बड़ा कैपिटल पूल आज उपलब्ध है, इसका भी लाभ उठाया जा सकता है। साथियों, जब आप देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते हैं तो बेहतर परिणाम मिलना सुनिश्चित है, और मुझे भरोसा है कि हमारे देश के पीएसयूज में न्यू इंडिया का चेंज एजेंट बनने की पूरी क्षमता है। आज यहां इस अवसर पर मैं आपके सामने 5 सवालों के तौर पर 5 चैलेंज रखना चाहता हूं। आपने यहां जो रखी है उससे बाहर कुछ नहीं कहूंगा, जो आपने कहा उसी में से मैं अपने तरीके से पेश करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों को कर पाएंगे। ये 5 चैलेंज न्यू इंडिया में आपके रोल को रिडिफाइन करेंगे। मैं बहुत बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सवालों के माध्यम से एक मोटा मोटा खाका आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पहला सवाल, 2022, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, 2022 तक भारतीय पीएसयूज अपनी जियो स्ट्रेटेजिक रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएंगे क्या, और बढ़ा पाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? मेरा दूसरा सवाल है, 2022 तक भारतीय पीएसयूज देश का इंपोर्ट बिल कम करने में कैसे मदद करेंगे? आपको लगता होगा कि ये काम किसका है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं हरियाणा के किसान के यहां खेत में गया था, मैं 30 साल पहले की बात करता हूं, 25 साल पहले की। छोटा सा उसका खेत था, बड़ा आग्रह था, मुझे कहता था आइए आइए मैंने कुछ नया किया है। 30-35 साल की आयु थी, लेकिन बड़ा जज्बा था। उसने तय किया कि दिल्ली के 5-स्टार होटल में जो विशिष्ट प्रकार की सब्जियां इंपोर्ट होती है, छोटा कोन आता है, छोटा टमाटर आता है, उसने तय किया कि मैं दिल्ली में ये एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपोर्ट बंद करा के रहूंगा। और उसने अपने छोटे से गेट में कंट्रोल एनवायरनमेंट में उन चीजों का उत्पादन किया, और उसने दिल्ली के 5-स्टार होटलों को सप्लाई करना शुरू किया। और खुशी की बात है कि 3 साल के भीतर भीतर उसने उस इंपोर्ट को बंद करवा दिया था। एक किसान का बेटा मन में ठान ले
क्या कर सकता है, तो इतने बड़े पीएसयूस, एक आत्मनिर्भर स्वाभिमानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ हिंदुस्तान, देश को यहां तक पहुंचाने में आपका योगदान रहा है। अब वक्त है ग्लोबल इकोनॉमी में हमने अपने आप को ताकत बनाने के लिए इस एक पहलू पर बल देने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहूंगा, आपने अपने प्रेजेंटेशन में इस बात का उल्लेख किया है, लेकिन मैं इसको बल देना चाहता हूं कि हम किस ऐसी कौन सी चीजें लाए, हम ऐसी कौन सी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी दें, हम ऐसी कौन सी इक्विपमेंट दें कि जिसके कारण मेरे देश का इंपोर्ट बिल कम करने में मेरी सक्रिय भूमिका हो। मेरा तीसरा सवाल है, 2022 तक भारतीय पीएसयूज कैसे आपस में, तो ये बहुत बड़ी बात है, आपस में इनोवेशन और रिसर्च का इंटीग्रेशन करेंगे। आज हम अपने अपनी जगह पर हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके कारण हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी वेस्ट जा रहा है। किसी ने एक काम किया है, दूसरा वही काम जीरो से शुरू करता है। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेशन होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं हम एक साथ कितना बड़ा जंप लगा सकते हैं, और इसलिए मैंने इंटीग्रेशन की बात कही है। मेरा चौथा सवाल है, न्यू इंडिया के ड्रीम के अनुसार देश का जो फोकस है, देश को हम जिन समस्याओं से मुक्त करना चाहते हैं, क्या हमारा सीएसआर फंड का यूटिलाइजेशन उस आधार पर हो, उसका रोडमैप क्या होगा, और हम कलेक्टिवली इसको कैसे करें। जैसे आपने दो प्रयोग बताए कि भाई टॉयलेट में हम लोग जुड़ गए, हमने इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया और एक बदलाव देखा देश में, और इसलिए आवश्यक है कि हम एक चीज पकड़े और उसी को पार करने के लिए कर सकते हैं क्या। और मेरा पांचवा सवाल है, 2022 तक भारतीय पीएसयूज देश को डेवलपमेंट के कौन से नए मॉडल देंगे, वो कौन सा नया मॉडल हम दे पाएंगे, हम घिसी पिटी व्यवस्थाओं को चलाएंगे कि कुछ नया लेकर के आएंगे। मैं चैलेंज सवालों के माध्यम से इसलिए रख रहा हूं क्योंकि निर्णय आपको करना, नीति आपको बनानी है, रणनीति आपको तय करनी है, और उस रणनीति को लागू भी आप ही को करना है। राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य के साथ जब आप अपने अपने संस्थानों की बोर्ड मीटिंग्स में इन सवालों पर मंथन करेंगे तो नए रास्ते खुलेंगे, नई दिशा मिलेगी। साथियों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जियो स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ाने में आपका योगदान बढ़ना आवश्यक। आज अपॉर्चुनिटी है, आप भी दुनिया में जाते हैं, दुनिया के लोगों से मिलते हैं, ऐसा अवसर पहले बहुत कम आए होंगे। इस अवसर को हम जाने न दें, और आवश्यक है कि इससे भी आप भलीभांति परिचित हैं कि कैसे कुछ देशों ने अपने पीएसयूज का इस्तेमाल दूसरे देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया है। यह भी एक तथ्य है कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां में एक चौथाई किसी न किसी देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही है। ये कंपनियां अपने अपने देशों में निवेश का भी बड़ा माध्यम बनती हैं। इसलिए आपके संस्थान अपना विस्तार ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएं, इस पर भी निरंतर सोचना होगा। जैसे आज के दौर में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन अवसर है पीएसयू टू पीएसयू कॉन्टैक्ट बढ़ाने का। आज भारत के पीएसयूज ब्राजील से लेकर के मोजाम्बिक, रूस से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन अब समय की यह भी मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाकर काम करें। ये स्ट्रेटेजी बनाते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो
और ये देश की जियो स्ट्रेटेजिक रीच को भी बढ़ाने वाला हो। इस सरकार के आने के बाद दूसरे देशों के प्रमुख शहरों के साथ दर्जनों एमओयूज पर साइन किया गया है, अनेक सिस्टर सिटीज पर काम हो रहा है कि हमारे पीएसयूज उन शहरों की इंडस्ट्रीज बॉडीज के साथ, वहां के संस्थाओं के साथ सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से मेक इन इंडिया को प्रमोट नहीं कर सकते। होता क्या है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ दुनिया में कहीं सिस्टर स्टेट बन जाते हैं, एक सिटी दूसरे सिटी के साथ सिस्टर सिटी बन जाते हैं, लेकिन बाकी हमारी इकाइयां हैं उसने भी वहीं पर जाकर के जुड़ना चाहिए और अधिकतम पिलर पर इस दोस्ती को खड़ा करना चाहिए, वो छोड़ देते हैं। एक एमओयू हो गया तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल जाना, कुछ फंक्शन कर लेना, बात छोटी। जी नहीं, हमने उसको मैक्सिमम ऐसे 50-100 कितने एरियाज हैं जहां उस शहर के साथ हम जुड़ जाएंगे, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा इस एक नए स्ट्रेटेजिक व्यू की जरूरत है। इसी तरह हम सभी के सामने एक बड़ा चैलेंज है इंपोर्ट बिल को लेकर के। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इस इंपोर्ट को कम किया जा सकता है। कुछ सेक्टरों में सरकार इंपोर्ट बिल कम करने में सफल हुई है, लेकिन अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ऐसे में आपके लिए इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा अवसर है, और ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास करना है, आप देखिए बदलाव आ जाएगा। आपकी तरफ से एक समय सीमा तक तय करके इस ओर कार्य किया जा सकता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में किस प्रोडक्ट का इंपोर्ट 10-15-20% जितना आपको उचित लगे उतना कम करेंगे। यदि हम प्राइस कॉम्पिटिटिव हो और क्वालिटी सेंसिटिव हो और ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करें जिनके आयात की बाध्यता है और जिन्हें हम नए इनोवेशन के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं, तो इंपोर्ट बिल में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है। साथियों, मैं आपको डिफेंस सेक्टर का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 60-70 वर्षों से भारत दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक रहा है। इतिहास में क्या नीतियां रही मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तब तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भारत में कोई सरकार रक्षा क्षेत्र में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोल सकती है। मैं मानता हूं कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर के पीएसयूज हैं उन्हें आज के इस समय को एक बड़े अवसर के रूप में लेना चाहिए। हमारे पीएसयू जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देंगे, ज्वाइंट वेंचर्स की तरफ जाएंगे, उतना ही मेक इन इंडिया मजबूत होगा और देश का डिफेंस सेक्टर भी आत्मनिर्भर बनेगा। आज भारत तेजस जैसे लड़ाकू विमान बना रहा है, वर्ल्ड क्लास सबमरीन बना रहा है, वॉरशिप बना रहा है। हम तकनीक रूप से सक्षम भी हैं और समर्थ भी है। ऐसे में घरेलू जरूरतों के साथ ही विदेशी बाजार पर भी हमें नजर रखनी होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इनोवेशन और रिसर्च का इंटीग्रेशन। हमारे वैज्ञानिक संस्थानों जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में देश का बेस्ट R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है। CPSEs के पास भी अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित रिसर्च का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने कई तकनीकें और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी विकसित किए हैं, लेकिन अक्सर यह भी देखा जाता है कि विभिन्न एजेंसियों की लेबोरेटरीज में जो इनोवेशन हो रहा है वो वहीं तक सीमित होकर रह जाता है। इस स्थिति को बदलकर 2022 तक कैसे इनोवेशन और रिसर्च का एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं,
उस बारे में भी सोचे जाने की मैं समझता हूं समय की मांग है। जब सीपीएससी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ेगी, नई रिसर्च और इनोवेशन की जानकारी एक दूसरे को बेहतर तरीके से दी जाएगी, तो रिसर्च की लागत को कम होगी ही, सिस्टम भी और एफिशिएंट बनेगा। ये शेयरिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि स्किल पूल, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी हर स्तर पर हो सकती है। साथियों, बीते कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर ने अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से काफी बेहतर काम किया है। पिछले साल सीपीएससी का नेट प्रॉफिट 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। इसका 2% यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर खर्चे जाए हो सकते हैं। इस राशि का देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे उचित उपयोग हो, इसके बारे में सोचना होगा। आपको याद होगा 2014-15 में, और जो हमें अभी फिल्म में भी बताया गया, अपने स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए सीएसआर फंड डोनेट किया था, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। मेरा सुझाव है कि जैसे 2014 में स्कूल शौचालयों के निर्माण को चुना गया, ऐसी एक थीम हर साल चुनी जाए और सीएसआर का एक बड़ा अंश सिर्फ उसी एक काम में लगाया जाए। आपकी जानकारी में होगा कि नीति आयोग के द्वारा देश के 115 डिस्ट्रिक्ट जो देश में डेवलपमेंट के बाकी मानकों में पहुंच नहीं पाए हैं, ऐसे जिलों की पहचान की है और उसको मैंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप से पहचानना तय किया है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। क्या इन जिलों का विकास आप लोगों के लिए इस वर्ष की थीम हो सकता है क्या? आपके संस्थान अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए स्किल डेवलपमेंट के कार्यों को भी हाथ में ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों कॉलेजों के साथ जुड़कर आईटीएज के साथ काम करके आप अपने संस्थाओं को स्किल डेवलपमेंट के बड़े अभियान से भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम को जितना ज्यादा आपसे समर्थन मिलेगा, उतना ही देश के जवानों का फायदा होगा। और मैं चाहूंगा कि आप जाकर के तुरंत भारत सरकार की योजना का अध्ययन करवाइए, टीम बनाइए और उसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में कोई कदम उठाइए। आपको संस्थानों जैसे साधन और संसाधन मिलने पर युवा भी 2 गुना जोश से सीखने के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा ये आपके लिए टैलेंट पूल का भी काम करेंगे और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटर
वर्क कल्चर, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कितने ही विषय हैं जहां आपकी संस्थाएं रोल मॉडल की तरह काम कर सकती हैं। आपके पास रीच है, रिसोर्सेज हैं, इन तमाम प्रयासों के लिए R&D कीजिए और रिजल्ट ला करके दिखाइए। इस समाज और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी पर फोकस हो, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जोर हो और रिसोर्स का सही उपयोग किया जाए। साथियों, अपने यहां संसाधन और सामर्थ्य पर भरोसा किए बिना नहीं कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, नहीं कोई संस्था और नहीं कोई देश। भारत में न संसाधनों की कमी है और न ही भारत में सामर्थ्य की कमी है। हम में इच्छा शक्ति और खुद पर भरोसा भी पिछले 4 साल में आपने देखा होगा। एक बार भी सरकार की तरफ से आपको यह स्वर नहीं सुनाई होगा कि ये कठिनाई है, टिकनी कठिनाई है, फले नहीं। हर चुनौतियों को हम चुनौती देने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं मानता हूं कि हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये सरकार का माजा है जी, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, देश में कोई साधन संसाधन की कमी नहीं है। आओ हम मिल बैठ करके आगे बढ़े, और मुझे विश्वास है कि ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है वो आगे भी जारी रहेगा और इस मंथन से जो आइडिया निकले हैं और नए निकलेंगे उन्हें ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाएगा बल्कि मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि एनर्जी और एक्सपीरियंस, एंटरप्राइज और एंथुसिज्म के संगम से अभूतपूर्व नतीजे मिलेंगे। मेरे लिए PSUs यानी प्रगति, सेवा और ऊर्जा, और उसके सेंटर में है S, सेवा सेंटर में है। न्यू इंडिया का सपना लेकर नई ऊर्जा से युक्त, सेवा भाव से प्रेरित आपका कार्य राष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भविष्य से जुड़ी आपकी नीतियां, निर्णय सफल हो, न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने में आपका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि क्या हम 100 दिन के बाद आप में से जो प्रमुख लोग हो उनके साथ क्या मैं बैठ सकता हूं क्या 100 डेज के बाद? और आज जो कहा है, आज जो सुना है, आज जो दिखाया है, उसको डेट वाइज कौन देखेगा, कैसे पूरा करेंगे, इसका पूरा खाका अगर मुझे आप एजुकेट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ ज्यादा समय बिताऊंगा तो जो सीखूंगा वो मैं सरकार में लाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ठीक 100 डेज के बाद जो जो बातें आज आपने बताई हैं उसका पक्का रोड मैप लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके, और ऐसा नहीं भविष्य उज्ज्वल है, माहौल बहुत अच्छा है, लोग उत्साहित है, परिणाम निश्चित है, ऐसा नहीं। सौ कदम जाना है इस दिशा में जाना है, इस तारीख तक 10 कदम, इस तारीख तक 20 कदम, इसको हम यहां अचीव करेंगे, ये हमारे संसाधन होंगे, ये हमारी टीम होगी। आप तो इस कॉरपोरेट वर्ल्ड के हैं तो आपको ये सिखाना नहीं पड़ता है, और आप तो बहुत बड़ी फीस दे करके मैनेजमेंट पढ़ने भी जाते होंगे आपके नौजवान सारे। खैर, पढ़ते होंगे नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जाते तो होंगे, और पढ़ते भी होंगे तो लागू कर पाते होंगे, अगर नहीं भगवान जा रहे।
लेकिन जो भी करते होंगे मुझे उसकी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आज के मंथन के बाद शायद उसमें भी आप चिंतन करेंगे, लेकिन क्या हम इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं क्या? प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक थे, अब मुझे रोड मैप चाहिए, टारगेट चाहिए और सारे टारगेट मेजरेबल होने चाहिए। समंदर के वेव जैसे नहीं होने चाहिए जी, वो मेजरेबल होने चाहिए और आप देखें बदलाव तुरंत शुरू होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।